हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती अस्त्र वाली कुर्ती कांचले की मगजी किस तरीके से बनाई जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये मेरे अस्तर है, ये देखिए इसका गार्डन का अस्तर है और ये है जो आप और कपड़ा है, इसके ऊपर ये हमारा ऐड करना है और ये नीचे अस्तर लग जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मगजी बनाने के लिए ये जो मगजी का जो कपड़ा पीछे बसता है उससे हमें क्या करना है, हमें एक साइड में सिलाई लगा देनी है इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे खुली साइड है, जो किनारे साइड है उस साइड नहीं लगानी है, जो दूसरी साइड है उस साइड में हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से जो हमारा अस्तर है उसके भी हमें एक सिलाई लगा देनी है और किनारी की साइड हम सिलाई नहीं लगानी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम सिंपली जैसे हम गुणा बनाते हैं उसी तरीके से गुणे में दोनों तरफ सिलाई लगाई जाती है, इसमें एक तरफ सिलाई लगाई जाती है। तो यहाँ पे नाखून लगा देते हैं 20 सेंटर में। इसके बाद में अच्छे से इसको रेप कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से हमें आपस में मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर देना है, एक और फोल्ड कर देना हमें। ये देखिए अब हमें इसकी कटिंग कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो आगे कपड़ा है उसका। इसके बाद हमें 2.25 इंच की पट्टियाँ कट कर देनी है, जो मगजी हमारी है वो 2.25 इंच की कट करनी है। इस तरीके से निशान लगा के आप कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऐसे ही कट कर देता हूँ। ये देखिए 2.25 इंच की हमें 4 मगजियाँ कट कर देनी है। इस प्रकार से अब हमें जो हमें आपे और कपड़ा था इसका भी हमें इस तरीके से कट कर देना है। तो हमें इसके भी हमें यहाँ पे नाखून लगा देना है, इसके बाद में इसको भी ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से इसको भी आगे से ऐसे बराबर कर देना है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा आप 2.5 इंच तक कट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ये पतला कपड़ा होता है इस कारण से ये कम हो जाता है, इस कारण से थोड़ा ज़्यादा कट किया जाता है। वो गार्डन की जो मगजी है उसको हमें 2.25 इंच कट करनी है और इसको 2.5 इंच कट करना है। इस प्रकार से 4 पट्टियाँ हमें कट कर देनी है। ये देखिए इस प्रकार से ये मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद में इसका जो जॉइंट है उसको आपस में मिला देना है। ये देखिए ये उरे भी में ऐसे मिला देना है। इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से हमें सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से जो दूसरे मगजी हैं दो उसको भी हमें ऐसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इसको सिंपली इसको ऐसा लिया, इस प्रकार से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे सिंगल में ले लेना है। इसके बाद में जहाँ जॉइंट है उसके ऊपर हमें नाखून लगा देना है। इस प्रकार से ताकि जो हम कपड़े में बेलन ना पड़े मगजी में। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा गार्डन है उसको हमें लेना है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जॉइंट है वो ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए इस प्रकार का जॉइंट है, इसको ऐसे लेना है। इसके बाद हमें इसको ऐसे रखना है इसके ऊपर, और ये जिसका मगजी का 20 सेंट है, 20 सेंट से थोड़ा इस साइड में हमें सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई तो यहाँ पे आएगी और एक सिलाई 20 सेंट से थोड़ा पीछे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। 20 सेंटर में नहीं लगाना है, 20 सेंटर से थोड़ा यहाँ पे पीछे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। इस प्रकार से मगजी को बनाना है। देखिए इस ऊपर का गार्डन को इस तरीके से पकड़ना है, और नीचे का कपड़ा है उसको ऐसे मशीन की तरफ खिसकाते रहना है। ये देखिए इस प्रकार से ये मैंने एक जो मगजी थी उसको हमने अटैच कर दिया है। इसी तरीके से ये जो दूसरी मगजी है उसको भी आपस में ऐसे मिला देना है। देखिए इसके बाद हमें इसको भी ऐसे मगजी को आगे खिसकाते हुए और इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच के रखना है, ज़्यादा नहीं खींच के रखना है, हल्का सा ऐसे पकड़ के रखना है। और आगे और पीछे ये दो कपड़ा है इसको आपस में बराबर रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कपड़ा दिख रहा है नहीं, इसको आपस में बराबर रखना है। ये देखिए ऐसे नहीं रखना हमें ऐसे। इस तरीके से हमें जॉइंट लगा देने हैं। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगा देने। अब देख लेना है कि जो नीचे का कपड़ा है वो कम पड़ गया है, तो पहले हम देख लेना है कि मगजी जितना हमें बनानी थी वो बनी है नहीं। तो हमें क्या करना है, 3 मीटर लगभग जो घेर की मगजी होती है वो बनानी है, और 1.25 या 2.5 इंच हमें ये जो हमारी गले में लगेगी मगजी वो बनानी है। तो सिंपली मैं इसे मशीन के पार्ट के अकॉर्डिंग हमें देख लेते हैं। 1, 2 और 3, ये हमारी मगजी बन जाएगी घेर वाली। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। इसके बाद में ये जो दूसरी मगजी है उसको हम देख लेते हैं। तो 2 मीटर और इसके थोड़ा इतना हमें ज़्यादा है, तो लगभग 2.5 मीटर है। तो आपकी एक मगजी कम पड़ रही है, तो यहाँ पे सिंपली कपड़े को ऐड कर देना है। ये दूसरा वाला कपड़ा है पूरा वाला, और पूरे हो गए तो हमें ऐड नहीं करना है। तो हमें एक सिलाई निकाल दी है, इसी तरीके से दूसरी सिलाई भी हमें इस किनारे पे हमें निकालनी है। इस साइड से किनारे से हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें इस साइड में निकाली थी और अब हमें इस साइड में निकालनी है।
प्रकार से हमें ये जो हमने सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप, कहीं पे भी मगजी में बेलन नहीं पड़ी है, ये देखिए आप। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींच देना है ताकि कहीं पे सिलाई टाइट आई है तो निकल जाती है, ये देखिए। तो अब हम सबसे पहले गियर वाली ये मगजी उसको हम बना देते हैं। जब हम बनाए थे तो ये जो हमने किनारी से सिलाई लगाई थी वो हमें ऊपर की साइड रखना है, और ये जो हमने बीच में लगाई थी वो हम पीछे की तरफ रखना है। इस प्रकार से हमें मगजी को रखना है, ये देखिए आप। इसके बाद हमें गुना लेना है, गुने को खींच के लगाना है इस तरीके से। जब हम मगजी बनाए तो इस तरीके से हमें हाथ से ऐसे पकड़ना रहा है, अंगूठे को इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है और इस हाथ से इस गुणे को पकड़ना है। जितना हमने चौड़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग हमें गुणे को लगाना है। ये जितना हमें ये चौड़ा रखना है, ये इतना, ये देख सकते हैं आप, इसके अकॉर्डिंग हमें मगजी को बनाना है, एक समान बनना है मगजी को इस तरीके से। और ये जो गले वाली मगजी उसको हमें इस तरीके से पतला कर देना है और इसको हमें इस तरीके से चौड़ा रहना देना है। गुणे के अकॉर्डिंग ही हमारे मगजी बनती है। ये देखिए, ये हमारी गियर वाली मगजी बन चुकी है, ये आप पीछे से देख सकते हैं। और ये जब आगे से नाखून लगाने के बाद हम देख लेंगे कहीं भी बेल नहीं पड़ी हुई है। अब हमें ये जो गले में आर्मोल में कुर्ती के गले कांचली के जो गले में मगजी लगेगी वो हम बना देते हैं। तो उससे थोड़ा मगजी को पतला बनाना है। मतलब बनाएंगे तो जो कांतली का जो गला है, आर्मोल है, वो फिनिशिंग से घूमेगा नहीं, तो थोड़ी मगजी में घूमता नहीं है, इस कारण से इसको पतला बनाया जाता है और फिनिशिंग दिखे इस कारण से। तो हमें इसको थोड़ा सा पतला बनाना है, ये देखिए आप, ये हमने इतना हमें पतला बनाया, ये इतना छोड़ा है। इस प्रकार से पहले हमें इसको आगे से ऐसे जमा देना है, इसको मार्जिन ऐसे रख देना है।
तो ये देखिए इस प्रकार से ये मैंने मगजी को बना दिया है। अब हमें इसका नाखून लगा देते हैं। इस प्रकार से हम नाखून को लगाना है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये मैंने दोनों मगजी पे नाखून लगा दिए। आप देख सकते हैं एक समान मगजी बनी हुई है और कहीं पे भी मगजी में बेलन नहीं पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी गेरवेल मगजी हो गई और ये जो गले में मगजी लगती है वो मगजी हो गई। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी पतली बनी हुई है और इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाया हुआ है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा गैप है, ऐसे देखना हमें इस प्रकार से इतना सा ये मगजी को थोड़ी बड़ी बनी हुई है। तो इस तरीके से आप आसानी से राजपूती अस्त्र वाली कुर्ती कांचली की मगजी बना सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।